वल्लभ नगर कस्बे में संचालित महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्रों से विकास शुल्क के नाम पर अवैध वसूली को लेकर ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन प्रेषित कर विद्यालय में जोरदार धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि कस्बे में महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बनने के बाद विद्यालय प्रधानाचार्य अशोक कुंवर द्वारा विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं से विकास शुल्क के नाम पर पाबंद कर अवैध रूप से वसूली की जा रही है। समस्याओं को लेकर अभिभावकों ने सीएमओ में भी शिकायत भेजी। अभिभावकों ने बताया कि विद्यालय में प्रधानाचार्य अशोक कुंवर द्वारा विद्यालय में प्राइवेट स्कूल जैसी गतिविधियां अपनी मनमर्जी से बच्चों एवं अभिभावकों पर थोप कर विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। विद्यालय में बच्चों व अभिभावकों से विद्यालय विकास के नाम पर अवैध पैसा वसूला जाता है, जिसकी आज तक किसी भी बच्चे व अभिभावक को कोई रसीद नहीं दी गई। बच्चों को हर वर्ष स्कूल ड्रेस के नाम से पैसा लिया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि विद्यालय विकास समिति एवं अभिभावक संघ में भी प्रधानाचार्य अशोक कुंवर द्वारा ऐसे लोगों को रखा गया है जिनके बच्चे इस विद्यालय में अधीनरत नहीं है। वह विद्यालय में प्रवेश फॉर्म निशुल्क उपलब्ध है, वह फॉर्म पर भी निशुल्क लिखा हुआ है, लेकिन प्रत्येक बच्चे व अभिभावकों से 20 रुपए प्रति फॉर्म लिए गए। इस मामले में जब विद्यालय प्रधानाचार्य अशोक कुंवर से बात की गई तो अशोक कुंवर ने बताया कि विद्यालय में विकास शुल्क के नाम पर किसी भी बच्चे व अभिभावक को पाबंद नहीं किया गया है। यह स्वैच्छिक सहयोग राशि है जो कि विद्यालय के अभिभावकों को द्वारा स्वेच्छा से जमा करवाई जा रही है। इधर इस मामले में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अनिल पोरवाल से बात की तो उन्होंने बताया कि विकास शुल्क स्कूल की एसएमसी कमेटी द्वारा तय किया जाता है। सब तरीके देखे हैं मैडम, हमने स्कूल आपके सामने किस स्थिति पर था, वो सारा होता है, सारा होता है 2023 में। इसी कारण से हमने कुछ नहीं किया। अगर ठीक है बात तो विकास हो रहा है, लेकिन आपने इस स्कूल को अपने मनमानी तरीके से प्राइवेट स्तर पे ले जाने की कोशिश कर दी, अपने हिसाब से चलाना। जितनी कंडीशन नहीं है वो सरकारी को पढ़ाएगा, प्राइवेट को जाएगा। इसका होता है सारे प्राइवेट को पढ़ते हैं, मैडम ये आपके स्कूल में परिजन आए विभिन्न समस्याओं को लेकर, तो क्या कहना चाहते हो आप? पहले तो इनकी समस्या क्या है, वो समस्या ये क्या लेके आए? जैसे 7 मई को हमारे यहाँ अभिभावक बैठक हुई थी तो उसमें हमने प्रस्ताव लिया था सामूहिक रूप से कि भाई 500 रुपये प्रति बच्चा विकास के शुल्क लिए जाएंगे। और इसमें हमने 2 परिस्थितियाँ ऐड करी थी, भाई अगर किसी अभिभावक के 3 बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनसे तीसरे बच्चे का शुल्क नहीं लिया जाएगा, और तीसरे बच्चे में भी अगर कोई अभिभावक बिल्कुल ही सक्षम नहीं है मान लीजिए देने में तो उनसे किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो जो जो अभिभावक मेरे पास व्यक्तिगत आके या उनकी प्रार्थना पत्र किसी माध्यम से पहुंचा तो उनका विकास शुल्क हमने माफ़ किया अपने स्तर पे एसडीएम से प्रस्ताव लेके, लेकिन कुछ अभिभावक हमारे पास नहीं पहुंचे कि हम नहीं दे सकते हैं और वो सीधे आपके पास आए या जो भी, तो उनकी समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। अगर उनसे पूछ लिया जाएगा वो वास्तव में देने लायक नहीं है तो उन पर किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है। कैसे कह रहे हैं पाबंद किया जा रहा है? नहीं नहीं, पाबंद की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सहयोग राशि है और ऐच्छिक है। जिसका मन है विद्यालय विकास में सहयोग देने का वो है ना सहयोग प्रदान करे, और जिसका मन नहीं है वो नहीं देवे, कोई बाध्यता नहीं किसी प्रकार की। तो इनके रसीदों के लिए बोल रहे, रसीद नहीं दे रहे, इसका क्या है? रसीद इस साल की अभी तैयार नहीं हुई, अभी हो गई है वैसे तो आज इनको रसीद दे दी। एक भी बच्चे को अभी तक रसीद नहीं दिया? आज दे दी जाएगी। इससे पहले तो दे रखी है? हाँ, इससे पहले का सारा हिसाब, पिछले साल और पिछले साल का, उससे पिछले साल का सारा हिसाब। जो एसडीएमसी की मीटिंग होती है उसमें सारे सदस्यों को बताया इस बारे में? बिल्कुल बिल्कुल पता। एसडीएमसी की तरफ से कोई पाबंद नहीं किया जा रहा है? नहीं, हमारी तरफ से किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं। ये एक ऐच्छिक है, ये तो भाई साहब हमारा स्कूल के। अब मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल से बता दूं कि जब हम महात्मा गांधी विद्यालय में परिवर्तित हुआ था स्कूल, तो हम वहाँ घाटी के ऊपर कन्याशाला में मतलब थे, और फिर इंग्लिश मीडियम को ये स्कूल आवंटित मिला। तो ये सब भाई साहब हैं, इनसे आप किसी से भी व्यक्तिगत पूछ लीजिए, जो धरना देने आए उनसे पूछ लीजिए, लगभग 4-4 फीट 5-5 फीट के गड्ढे थे यहाँ स्कूल में, सब कमरों की हालतें खराब थी। तो ये जन सहयोग से भामाशाहों से नए कमरे बनाए, प्लास्टर करवाया, छत फर्शी रिपेयर करवाई, हर काम जो है जन सहयोग से ही हुआ। और फिर इसमें वापस इस साल भी प्रस्ताव ले रखा था कि भाई इस साल क्या सीसीटीवी कैमरा लगाने हैं पूरे स्कूल में, इसलिए 500-500 रुपये की सहयोग राशि
एकत्रित करने की इच्छा थी, और अगर उसमें भी वापस वही था कि कोई नहीं देना चाहे तो किसी प्रकार की कोई बात नहीं। अच्छा, तो अभिभावकों ने जो बोला है कि पाबंद कर रखा हमको, बच्चों को टीसी देने के लिए कहते हैं या फिर स्कूल नहीं आने के लिए कहते हैं, इसमें क्या सत्य है? ये आरोप तो निराधार है भाई साहब, बिल्कुल निराधार है। इसमें तो आप भले बच्चों से भी पूछ लीजिए, अभिभावकों से भी पूछ, दूसरे और अभिभावक ये जैसे 10 आए हैं तो इनके अलावा भी और दूसरे अभिभावक हैं, स्कूल में 400 बच्चे पढ़ते हैं तो उनके दूसरे अभिभावक भी हैं, आप मिले होंगे, और 8-10 अभिभावक टिफिन देने आते हैं, कई अभिभावक आते हैं तो आप उनसे मिले होंगे, आप किसी से भी पूछ लीजिए। चलो थैंक यू। ओके हाँ भैया, क्या समस्या आपकी? समस्या ये है, बच्चों से पैसा लिया जा रहा है 1000-1000 रुपये, ठीक है ना, किसी से 1000 किसी से 2000 जो मर्जी आए जो ले रहे हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, बच्चों को क्लास में प्रताड़ित किया जा रहा है कि यहाँ पे कल पैसा लेके नहीं आए तो स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा और टीसी ले जाओ आप यहाँ से। साजिश क्या करके हैं, इनकी बच्ची को परेशान किया, वो स्कूल से आने के लिए उसने मना कर दिया कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगी, मेरे से पैसे मांग रहे हैं। इनकी ये कालू खान जी है, इनकी बच्ची के बच्चा है इनका, इसको भी परेशान किया तो उसको भी रोक दिया कि मैं नहीं जाऊँगा, वो भी रुक गया घर पर, तो बड़ी मुश्किल से उसको भेजना, क्या पता विकास शुल्क के नाम के पैसे मांग रहे हैं। बच्चों को प्रेशर कर रहे हैं, एक ड्रेस का और एक विकास शुल्क, दो चीज़ का बच्चों को प्रेशर करके। मेरी खुद की बच्ची पढ़ती है, मेरे पिताजी से पहले 3100 रुपये लिए हैं, इस बार 1000 रुपये के समथिंग कुछ लिए, मुझे पता नहीं है, मैंने बात नहीं की अभी, पहले 3100 रुपये लिए हैं, इस बार 1000 रुपये अभी लिए हैं। आपकी बच्ची स्कूल में पढ़ती है? पढ़ती है। क्या नाम आपका? साजिश मेरा। अच्छा, क्या बोला फिर इन्होंने? भाई स्कूल में पैसे जमा कराने हैं विकास शुल्क के। कौन सी क्लास में पढ़ती है आप? तीसरी क्लास में, 30। ठीक है, क्या बोला फिर? केवल चलो सोमवार को पैसे लेके आना, अगर नहीं आ सकते हो तो स्कूल मत आना। अच्छा, बच्ची को बोला? बच्ची को बोलो। फिर बच्ची 3 दिन तक परेशान हुई, रोई भी है घर पे। कितने रुपए मांगे? 500 रुपये मांगे विकास शुल्क के, बाकी 500 रुपये तो मैंने दे दिए थे ड्रेस के, तो विकास अलग से मांगे। हाँ, शिकायत की थी हमने, उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं। और कोई मामला फीस के अलावा? हर साल पैसा ले रहे हैं मर्जी मुताबिक पैसा, मतलब ये कोई हिसाब भी, पहले 2023 में मैंने इनसे एक लिखित में एप्लीकेशन से हिसाब भी मांगा था, तो इन्होंने एक रजिस्टर सामने रखा मेरे, ये रजिस्टर है, विद्यालय की गतिविधियाँ पूरे प्राइवेट स्तर की हैं, इनके पति दिन भर यहाँ पर खड़े रहते हैं, परसों के दिन की बात है, यहाँ खड़े रह के अभिभावकों को कह रहे हैं कि शिकायत कर रहे थे आप हमारे फेवर में बयान देना। एक विनीत जी करके हैं जो एक दिन आई थी 26 तारीख के दिन, उनसे एक लिखित में साइन करवाया इन्होंने, 7/5/2024 का एक प्रस्ताव लिया इन्होंने इस विद्यालय विकास का, विकास शुल्क और ड्रेस के नाम का, तो उसके अंदर साइन करवाए थे इन्होंने, ये के स्कूल में जो भोजन बन रहा है उसकी गुणवत्ता कैसी है, इस नाम के उस रजिस्टर पर साइन किए। इन्होंने उस रजिस्टर का फ़ोटो खींचना चाहा तो शकुंतला जी प्रजापति मैडम है, उन्होंने वो रजिस्टर इनके हाथ से छीन लिया। मेरी उस समय मैं कहीं बाहर था, मेरी फ़ोन पे बात हुई थी विनीता जी से, तो विनीता जी ने प्रिंसिपल मैडम से बात करवाई थी, उन्होंने ये मेरे को ये बोला कि गोपनीय दस्तावेज है और हम नहीं दे सकते हैं, ये कह के उन्होंने मना कर दिया, आपको देखना है तो स्कूल में आके देख लो, उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह सारी मेरे पास सबूत हैं इसके। आपका नाम? कैलाश चंद्र कुलमी। कैलाश कुलमी। पैसे तो 500 रुपये दिए थे, रसीद हसीद तो नहीं दिए उन्होंने। आप स्कूल में कुछ बातें? आप नहीं, मैंने नहीं, बच्चे पढ़ते हैं। आपके बच्चे पढ़ते हैं? हाँ। कितने पैसे मांगे? पैसे तो बच्चे ले गए घर से, मेरे को पता नहीं, पैसे 500 रुपये अभी 1000 रुपये हैं, अभी 1000 रुपये लिए, वो तो इन्होंने वो टूर्नामेंट के थे, नहीं हमारे कोई नहीं है, हाँ नहीं किसी नहीं, दो तो ठीक है, कोई नहीं, इनको पाबंद किया, इनको बच्चा रोता है कि पापा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, 540 रुपये दे दो। मैंने कहा बेटा परसों दे दूंगा, पहले रोज दे दूंगा, पर वो नहीं आया, फिर यहाँ से फोन आया कि नहीं 540 रुपये लेके ही आना, फिर मैंने जैसे तैसे ही करके पैसे दिए, जमा कराए, बच्चा वापस आया स्कूल में। पैसे देने के लिए मना नहीं, विधवा है, पैसे मांगे थे, आए थे मम्मी देने के लिए, तो बोलते नहीं है अभी मेरे पास, बाकी के बाद में दूंगी, ऐसे बोला था।
मैं यहाँ रहता नहीं, अहमदाबाद रहता हूँ। बच्चों को ऐसे डराया थोड़ी क्या, स्कूल मत आना है सर? हाँ डराया ना, डरा तो वही ना, बिल्कुल डरा है ना, अच्छे रोते हैं घर पे, पूरी क्लास को बोला है। अब आप सबके सामने बैठ ले रहे हो, इसलिए बच्चे कोई यहाँ पे कहने वाले नहीं, बच्चे बाहर आए उसमें आप बयान लेना उनके, वो सब एक एक बच्चा कहेगा। आप सबके मिक्स में लोग हैं तो कोई नहीं बोलेगा, क्लास में कोई टीचर है वो डरेंगे, इनके खुद का स्टाफ है जो इनके खिलाफ में बात करता है, जब हम अकेले आते हैं तब सामने आने पर भी कौन बात करेगा। हतिया फलक अभी पांचवी में पढ़ती है, उसको सर ने यूँ कहा अगर पैसे नहीं लाओ तो कल स्कूल मत आना, ठीक है, इसलिए हम नहीं दे सकते पैसे, तो नहीं है सक्षम, नहीं है तो नहीं दे सकते पैसे, 500 रुपया विकास शुल्क के। हाँ बोला विकास शुल्क के लिए, उसने कहा वो घर आके रोने लगी, वो तो बहुत परेशान होगी, बीमार जैसे होगी, सुबह बोला स्कूल नहीं जाती हूँ मैं, फिर उसको समझा समझ के लाया, फिर सर के पास आए। सर ने क्लास टीचर होंगे उनके, भाई मेरे को भी इतना पता नहीं, मैं बता दिया उनसे मिले वापस, तो सर ने कहा कोई बात नहीं, कि सर आप ऐसी बात नहीं कर सकते हो, पैसे दे सके या नहीं दे सके, लेकिन आप ऐसी बात नहीं कर सकते, कि भाई कोई बात नहीं, नहीं दे सकते हो। हाँ क्या नाम है? शंभुदास जी मेरा के। कई मामलों स्कूल में? सर मुझे तो फ़ोन आया है खाली कि ज़रा आप आओ यहाँ पे, अभिभावकों का कुछ कंप्लेंट है, तो मैंने बोला मैंने तो कुछ कंप्लेंट की नहीं है, बोला कुछ है तो बोला आओ। नाम से पैसे मांग रहे थे आपको पता है? नहीं ऐसा मुझे कुछ पता नहीं है, मैं नहीं, दो बच्चे मेरे पढ़ते हैं यहाँ पे, दो बच्चे पढ़ते हैं, तो बच्चों से पैसे मांगे तो आपको नहीं बोला आगे बच्चों ने? नहीं मांगे पैसे? नहीं मेरे से कुछ बात नहीं है, पैसे नहीं मांगे, नहीं मुझे जानकारी नहीं है।